नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। नर्मदा तट के महायोगी। माँ नर्मदा के तट पर अनेकों अनेक सिद्ध साधु संतों ने तपस्या करके परमानंद को प्राप्त किया। आज भी कोटि कोटि महात्माओं सूक्ष्म शरीर से माँ नर्मदा के तट पर निवासरत है, जिनकी अनुभूति अक्सर माँ नर्मदा की परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासियों को होती है। उन्हीं में से एक है श्री गौरी शंकर महाराज। कहते हैं श्री गौरी शंकर महाराज अफगानिस्तान से आए थे। वे परम शिव भक्त थे। उनकी एकमात्र अभिलाषा केवल शिवजी के दर्शन मात्र की थी और उनकी वो अभिलाषा माँ नर्मदा ने पूर्ण की। संत शिरोमणि गौरी शंकर जी महाराज धूनी वाले दादाजी के गुरु थे। अभी तक माँ नर्मदा के जितने भी भक्त हुए हैं उन सभी में गौरी शंकर जी महाराज का नाम आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। आप श्री कमल भारती महाराज के शिष्य थे, जिन्होंने माँ नर्मदा की 3 बार परिक्रमा की थी। अपने गुरु के ब्रह्मलीन होने के पश्चात अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलना अपना कर्तव्य समझकर एक बड़ी जमात इकट्ठा कर माँ नर्मदा की परिक्रमा करने निकल पड़े। श्री गौरी शंकर महाराज पर माँ नर्मदा की विशेष कृपा थी। माँ नर्मदा महाराज श्री के साथ नित्य वार्तालाप किया करती थी। गौरी शंकर महाराज की जमात में सैकड़ों की संख्या में साधु संत और परिक्रमावासी होते थे। इतने बड़े जन समुदाय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती थी कोई नहीं जानता था, पर व्यवस्था हो जाती थी। भंडारा बनाते समय यदि भंडारी कह दे कि घी की कमी है तो आप तुरंत कह देते कि श्रीमान जी घी माँ नर्मदा से उधार मांग लो, और एक बड़े पात्र में नर्मदा जल भरकर लाया जाता और जैसे ही कढ़ाई में डाला जाता वह नर्मदा जल घी में रूपांतरित हो जाता था। जब कभी कोई भक्त यदि भंडारे में घी अर्पण करने आता तो स्वामी जी की आज्ञा से वह घी माँ नर्मदा जी की धार में फिर से विसर्जित कर दिया जाता। स्वामी जी माँ नर्मदा पर अत्यधिक विश्वास करते थे और माँ नर्मदा के जल में कभी प्रवेश नहीं करते थे, दूर से ही जल मंगवाकर स्नान कर लेते थे, ये उनका नियम था। कहा जाता है एक बार गौरी शंकर महाराज की जमात होशंगाबाद में भजन कीर्तन कर रही थी तो इस जमात की गतिविधियों को एक अंग्रेज कमिश्नर देख रहा था और उसके मन में संदेह हुआ कि शायद ये साधु संतों के वेश में क्रांतिकारियों का समूह है। उन अंग्रेज अधिकारी ने तह तक जाकर जांच करने की सोची। उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आखिर स्वामी जी इतनी बड़ी जमात को चलाते कैसे हैं और इतने बड़े जन समुदाय को खाना कैसे खिलाते हैं। वह तुरंत स्वामी जी के पास पहुंचा और पूछा कि इतनी बड़ी जमात को चलाने के लिए खर्च कहाँ से लाते हो, तो स्वामी जी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि सब माँ नर्मदा जी देती है और उनकी कृपा से ही हम सभी खाते पीते हैं। अधिकारी महाराज श्री की बात सुनकर हंसने लगा और व्यंग्य के साथ उसने कहा, ठीक है, फिर मैं भी देखना चाहूँगा कि नर्मदा जी कैसे तुम्हारा खर्च उठाती है, और नर्मदा तट पर खड़ा होकर स्वामी जी से कहने लगा कि आप अपनी माँ नर्मदा से 1100 रुपयों की मांग करें, हम देखना चाहते हैं कि तुम कहाँ तक सत्य कह रहे हो। स्वामी जी अपना प्रभुत्व दिखाना नहीं चाहते थे, पर वे ये भी जानते थे कि अगर इस अधिकारी को संतुष्ट नहीं किया तो यह साधु संत और परिक्रमावासी को सदैव ही संदेह की दृष्टि से देखेगा। इसीलिए
स्वामी जी ने माँ नर्मदा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, मैया मैंने कभी आपके जल में प्रवेश नहीं किया है, मगर आज इन सब के कहने पर आपके जल में प्रवेश कर रहा हूँ। और माँ नर्मदा के अथाह जल में छलांग लगा दी, जल में डुबकी लगाई और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में अपने हाथों में 1100 रुपयों की थैली लेकर बाहर आए। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को वह रुपयों की थैली थमा दी और कहा, महोदय गिन लीजिए। सभी की उपस्थिति में उन रुपयों को गिना गया और 1100 रुपये पूरे निकले। महाराज जी और माँ नर्मदा का प्रत्यक्ष चमत्कार देख अधिकारी महोदय को पूर्ण विश्वास हो गया कि महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अधिकारी काफी शर्मिंदा हुआ और उसने क्षमा याचना की और उसने भविष्य में किसी नर्मदा भक्त को परेशान न करने की शपथ ली। उसने खुश होकर स्वामी जी को सम्मानित किया और अनेकों प्रमाण पत्र भी दिए। श्री गौरीशंकर महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक पंडित जो कि काशी के रहने वाले थे, उनके मन में महाराज श्री के प्रति दुर्भावना का उदय हुआ कि यह कोई शास्त्र ज्ञानी या सच्चे साधु संन्यासी नहीं है, अपितु कोई ढोंगी बाबा है। ऐसा मन में निश्चय करके वह जमात के आश्रम में आया। जमात के साधुओं ने पंडित जी का हृदय से स्वागत किया। पंडित जी ने महाराज श्री से मिलने की जिज्ञासा प्रकट की। तब पंडित जी ने श्री गौरीशंकर महाराज जी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा जताई। महाराज श्री ने कहा कि हम तुमसे क्या शास्त्रार्थ करें, हम तो तुमसे हारे हुए हैं। तब पंडित जी ने महाराज श्री से एक पत्र स्वयं के नाम लिखने को कहा, जिसमें पंडित जी की शास्त्रार्थ में जीत का उल्लेख हो। इस पर महाराज श्री ने पंडित जी को एक माह बाद आने को कहा और कहा कि हम उसी समय आपको विजय पत्र पर लिख कर दे देंगे। पंडित जी ने मन में विचार किया कि एक माह में लौटना ठीक नहीं है, एक माह तो काशी आने जाने में ही लग जाएगा, अतः यहीं नर्मदा के किनारे ही विश्राम किया जाए। एक दिन प्रातःकाल पंडित जी नर्मदा जी के किनारे स्नान करके बैठकर प्राणायाम कर रहे थे। सामने तरबूज की बाड़ी थी, वहां से एक बालक पंडित जी को देख रहा था। वह बालक पंडित जी के पास आया और बोला कि पंडित जी आप ये नाक मुंह बंद करके क्या कर रहे हो। पंडित जी ने सोचा कि यह बालक तो अनपढ़ है, इच्छे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, तो उन्होंने बालक को कहा कि ऐसे नाक मुंह बंद करके माँ नर्मदा जी का ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा करने से माँ नर्मदा साक्षात दर्शन देती है। इतना कहकर थोड़ी देर बाद पंडित जी वहां से चले गए। पंडित जी के जाते ही बालक उसी तरह नाक मुंह बंद करके माता नर्मदा जी का ध्यान करने लगा। ऐसा करने से कुछ ही समय बाद बालक का दम घुटने लगा, किंतु बालक ने अपनी स्थिति नहीं छोड़ी। तत्काल ही माँ नर्मदा जी एक बालिका के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने बालक को अपने हाथों से उठाया और कहा, हे बालक उठो, मैं ही माता नर्मदा हूँ जिसका तुम ध्यान कर रहे हो। बालक आश्चर्य चकित होकर माँ के शरणों में गिर पड़ा। माँ ने बालक को उठाया और बालक को वर मांगने को कहा। बालक बोला कि अभी अभी पंडित जी आए थे, उन्होंने आपके दर्शन का मार्ग बताया, अब मैं उनको कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि मुझे साक्षात माँ नर्मदा जी ने दर्शन दिए हैं, अतः आपको उन पंडित जी के सामने दर्शन देकर मेरी बात को यथार्थ करना पड़ेगा। नर्मदा माता तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। वह बालक यहां वहां पंडित जी को खोजने लगा। काफी ढूंढने पर पंडित जी मिले। बालक ने पंडित जी से कहा, आपकी बताई हुई विधि के अनुसार मुझे माता नर्मदा जी के दर्शन हो गए हैं और माता ने तुम्हारे समक्ष भी दर्शन देने की मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। पंडित जी आश्चर्य चकित होकर केवट बालक के साथ नर्मदा तट पर आए। वहां आकर क्या देखते हैं
कि नर्मदा जी की बीच धारा में साक्षात माँ नर्मदा खड़ी है। पंडित जी ने किनारे से ही माँ नर्मदा को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और परम पूज्य श्री गौरी शंकर महाराज जी से शास्त्रार्थ करने के अपने विचार पर बहुत लज्जित हुए। अब केवट बालक और पंडित जी दोनों एक दूसरे का अभिवादन करने लगे, एक दूसरे को गुरु मानने को तत्पर होने लगे। केवट बालक बोला कि आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपने माँ नर्मदा के दर्शन की विधि बताई। और पंडित जी बोले, हे बालक, तुम्हारे कारण ही मुझे माता नर्मदा जी के दर्शन हुए। ऐसा आपस में वाद विवाद करते दोनों जमात के आश्रम में आए। वहां पर पहुंचने पर महाराज श्री ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप कहाँ गुम हो गए थे? आपको शास्त्रार्थ की विजय का स्मृति पत्र देना है। पंडित जी बहुत लज्जित हुए और महाराज श्री के शरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। महाराज श्री ने उन्हें उठाया और अभिमान त्याग कर मनुष्य मात्र की सेवा का संकल्प दिलाकर विदा किया। एक बार ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी जी स्नान करने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें कांटा लगा। वे दर्द से व्याकुल हो गए और वहीं बैठ गए। स्वामी जी आश्रम नहीं पहुंचे तो उनके शिष्य उन्हें खोजते खोजते नर्मदा तट की ओर गए। रास्ते में उन्हें स्वामी जी बैठे दिखे। शिष्यों ने स्वामी जी से कांटा निकालने को कहा, पर स्वामी जी ने उन्हें मना कर दिया और कहा, माँ नर्मदा ही ये कांटा निकालेंगी। और उन्होंने अपने शिष्यों को आश्रम लौट जाने का आदेश दिया और वे रास्ते में उसी जगह बैठे रहे। अपने भक्त का कष्ट माँ नर्मदा जी से देखा नहीं गया और वे रात्रि 12 बजे मगर पर सवार होकर वहाँ पहुँची और अपने भक्त गौरी शंकर से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा कांटा निकालने आ गई हूँ। और उन्होंने स्वामी जी के पैर में लगा कांटा निकाल दिया और उन्हें पहले की भांति स्वस्थ कर दिया। स्वामी जी ने माँ नर्मदा से जल समाधि लेने की अनुमति मांगी तो माँ नर्मदा ने उन्हें कोक्सर गांव में समाधि लेने की आज्ञा प्रदान की और अंतर ध्यान हो गई। सुबह सुबह स्वामी जी ने इस संबंध में अपने भक्तों को और शिष्यों को जानकारी दी और समाधि लेने की इच्छा व्यक्त की। एक गहरा गड्ढा खुदवाया गया और 8 दिनों तक भजन कीर्तन होते रहे और 90वें दिन स्वामी जी ने अखंड समाधि ले ली। ऐसी थी श्री गौरी शंकर महाराज की जीवन लीला। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।